प्रदेश में युवाओं की शराब पीने की लत पर काबू पाना एक चुनौती जैसा है। अगर हम कहें कि महिलाएं शराबियों को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर उतरी है तो ये बात हैरान करने वाली होगी, लेकिन यह हकीकत है। आपको बता दें कि देहरादून के भोगपुर बागी गांव की महिलाओं ने शराबियों को सबक सिखाने के लिए एक गैंग बनाया है, जिसे खटखट गैंग का नाम दिया गया है। इस गैंग की महिलाएं शाम होते ही लाठी डंडे लेकर सड़कों पर निकल पड़ती हैं और चौराहे से लेकर पूरे गांव में घूमकर सभी को शराब न पीने के लिए जागरूक करती हैं और साथ में फटकार भी लगाती हैं कि अगर शराब पीता कोई पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। यहाँ पे शराब का बहुत गंदा माहौल हो गया था। यहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक का बहुत गंदा माहौल हो गया था। दारू पीते थे, सड़कों पे खुलेआम घूमते थे, लड़कियों का चलना भी मुश्किल हो गया था। ये लोग दिन में भी पीते थे और जिसके उससे हम लोगों को ये निकलना पड़ा है घर से, और इस मारे हम निकल रहे हैं और अब लोग हमें देखते हैं तो भाग जाते हैं, और जहाँ हमें ऐसे काम करते शराब पीते हुए मिलते हैं उनकी बोतलें फोड़ देते हैं और उनसे हमारी बाइस भी हो जाती है कई बार। तो बस इसलिए अब लोग हमसे देख के डरने लगे हैं और ये चीज़ें अब काफ़ी कम हो चुकी है। अच्छा, ये आंदोलन लास्ट तक चलेगा आपका, जब तक शराब बंद नहीं? हाँ जी, ये तो अभी चलेगा, ये रुकेगा नहीं। मेरा नाम निशा रावत है और हमने 4-5 लेडीज़ ने पहले माहौल देखा। यहाँ के हमारे भोगपुर क्षेत्र के बच्चे बहुत ज़्यादा नशा करने लगे थे, इस वजह से हमने और औरतों को लेडीज़ को जोड़ा इसमें साथ में, और बच्चे खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर नशा कर रहे थे। हमने उन्हें शुरू में तो वार्निंग दी, बाद में बोला है कि तुम इस तरह से नशा करते हुए हमें नहीं दिखने चाहिए, और तब से इस चीज़ का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। मतलब खुलेआम कोई भी नहीं दिख रहा है और हमारे गांव से ये चीज़ खत्म हो रही है। एक तरफ गांव के शराबियों में खटखट गैंग की दहशत बनी हुई है तो दूसरी तरफ ग्रामीण महिलाओं की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। मेरा नाम नीरज सिंह खड़का है। हमारे यहाँ की ग्राम सभा बागी की महिलाएँ हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया एक जागरूक वो कर रखा है, जो शराब के प्रति बच्चे या बड़े इस टाइप के जो बिगड़ रहे थे थोड़ा उन पे कंट्रोल हुआ है, इस वजह से उनके एक पहल के उसमें अच्छा लग रहा। मतलब बहुत अच्छा इससे काफ़ी मतलब फायदा हुआ है। तो महिलाएं जैसी आती है शराबी भाग जाते हैं? बिल्कुल देखते ही हर दुकान हर चौराहे से सब। वहीं पूर्व प्रधान सुदीप जोशी ने कहा कि नशे के विरोध में पहली बार महिलाओं ने ऐसा कदम उठाया है जिसके चलते गांव में चल रहे ज्यादातर शराब की दुकानों पर ताला लग चुका है। ये बरकोट माफी क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार 11 ग्राम पंचायत में ये मसला जो उठाया गया यहाँ की महिलाओं ने नशे के विरोध में। पहले क्या होता था कि रानी पोखरी जो ठेका है उस 4 दीवारी के अंदर 15 से 30 दुकानें हैं, वहाँ पर खुलेआम दारू पिलाई जाती है, किसी पास कैंटीन का लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ की दुकानदारी पिलाते थे। जब से महिलाओं ने मुहिम उठाई, जब से ये 1 महीने से ऊपर हो गया और यहाँ के लोग भी सहयोग कर रहे हैं, वो रात को रोज़ भ्रमण करती हैं 7 बजे के बाद, जगह जगह जाती हैं और लोगों को समझाती है, कोई पीने वाला मिल जाता है भाई ऐसे काम मत करो, ये काम गंदे हैं, ये समाज के विरोध हैं, ऐसे काम मत कीजिए आप। और तब से ये काफ़ी फ़र्क पड़ा कि जो रानी पोखरी 4 दीवारी के अंदर 30 से 35 दुकानें चल रही थी खाने पिलाने की, वो सब बंद हो गई है। और नया एसओ जो आया है उसने भी इस बारे में संज्ञान लिया, उसने भी सभी का साथ दे के ये कार्य बंद करा दिया क्षेत्र में। अच्छा, जैसे महिलाएं आती शराबी भाग जाते हैं? हाँ, जब महिलाएं आती लोग भगदड़ मच जाती है कि वो महिला आ गई है, वो इधर को भाग गई उधर को भाग, वो गली मोहल्ले हर जगह जा रही है रात को ये निर्भय होके, कि ये नहीं कि दुकानों में, वो किसी भी गली में घुस जाती हैं निर्भय होके घूम रहे डंडे लेके, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने से चल रही महिलाओं की मुहिम से शराबियों में हड़कंप मच गया है। शाम के समय महिलाओं के बाहर निकलते ही शराबियों में भगदड़ मच जाती है। महिलाएं रोजाना लाठी डंडों से हर बाजार हर चौराहे और हर नुक्कड़ पर गश्त कर रही हैं, शराब पीने वालों और शराब पिलाने वालों को सख्त हिदायत दे रही है। वहीं महिलाओं का ये काम काबिले तारीफ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।